वहीं सिसोदिया की कस्टडी 15 दिन और बढ़ी। सीबीआई केस में आरोपों पर बहस नहीं हुई। अगली सुनवाई 30 मई को। शराब नीति केस में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जुडिशियल कस्टडी 30 मई तक बढ़ा दी गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट में बुधवार 15 मई को सुनवाई के दौरान स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने कहा कि मनीष के खिलाफ सीबीआई केस में 30 मई को आरोप तय किए जाएंगे। सिसोदिया ने आरोपों पर बहस रोकने के लिए एक याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में भी दायर की है, इसलिए इस पर सुनवाई स्थगित कर दी गई। 7 मई की सुनवाई में सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 15 मई तक बढ़ाई थी, जबकि ईडी की तरफ से दाखिल किए गए केस में उनकी हिरासत 21 मई तक है। 14 मई को दिल्ली हाई कोर्ट में भी सिसोदिया की तरफ से दाखिल जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। इस मामले में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। सिसोदिया की तरफ से सीनियर एडवोकेट दयन कृष्णन और मोहित माथुर ने दलीलें दी, जबकि ईडी की तरफ से जोहेब हुसैन और सीबीआई की तरफ से एसपीपी रिपुदमन भारद्वाज कृष्णन ने पक्ष रखा। ईडी अगली चार्जशीट में आम आदमी पार्टी को बनाएगी आरोपी। 8 मई को हाईकोर्ट ने ईडी और सीबीआई दोनों को सिसोदिया की जमानत याचिकाओं पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए एक हफ्ते का समय दिया था। सुनवाई में ईडी ने सिसोदिया की जमानत का विरोध किया था और कहा था कि पूरी आम आदमी पार्टी को इस मामले में आरोपी बनाया जाएगा। हालांकि ईडी ने कहा कि ऐसा वे अगली चार्जशीट में करेंगे। मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को सीबीआई ने करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। इसके बाद ईडी ने भी उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था। वे फिलहाल तिहाड़ जेल में है। 7 मई 2024 को सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 15 मई तक बढ़ाई गई है। उधर दिल्ली कोर्ट ने एक्साइज ड्यूटी स्कैम केस में सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 21 मई के लिए बढ़ा दी है। कई बार खारिज हुई सिसोदिया की जमानत याचिका। सीबीआई ने सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था। ईडी ने न्यायिक हिरासत के दौरान उन्हें 9 मार्च 2023 को गिरफ्तार किया था। सिसोदिया तब से तिहाड़ जेल में हैं। उन्होंने ईडी मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी, जिसे 28 अप्रैल 2023 को खारिज कर दिया गया था। सीबीआई मामले में उनकी जमानत याचिका 31 मार्च 2023 को खारिज हुई थी। इसके बाद उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि हाई कोर्ट ने ईडी मामले में उनकी जमानत याचिका को 3 जुलाई 2023 और सीबीआई में उनकी जमानत याचिका 30 मई 2023 को खारिज कर दी थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सोहागी बाईपास।